बी किसान की ओर से आज फिर से बाम्बू फार्मिंग के रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। अपने साथ फार्मर आए हुए हैं पास के गांव से। हम लोग अभी है मोरबी के अंदर में बाम्बू नर्सरी के अंदर में। आप अपना थोड़ा सा एक परिचय देंगे? हाँ, मेरा नाम भावेश अंदरपा है और मैं बाम्बू की खेती करने के लिए आगे सोच रहा था, तो मुझे उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिला यूट्यूब के वीडियो से, जहाँ मालूम पड़ा कि नज़दीक में वो सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपकी विजिट के लिए आ गया हूँ। यस, अभी हम अगर बाम्बू को आपने वैसे स्टडी यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ की कर ली है, फिर भी एक छोटी सी चीज़ अगर हम बताएं आपको, तो यहाँ के क्षेत्र के अनुसार सोइल, वाटर और वेदर, ये तीनों को जोड़ के खेती जो है वो परंपरागत ढंग से सब जगह पर हो रही है। बराबर, आपके वहाँ पर भी पानी का सोर्सिंग जो है वो रेनिंग सीजन के अंदर में पानी होता है, उसमें से अपन खेती करते हैं। हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही है, जमीन में पानी है तो वो खारा पानी, सॉल्टेड वाटर के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। बराबर, तो यहाँ दूसरी फसलों के मुकाबले यदि उसके अंदर में पीएच बैलेंसिंग सिस्टम की जाए तो उसके अनुसार बाम्बू की खेती सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। जैसे ये वेराइटी है, ये पॉलीमार्फा वेराइटी है, जैसे आपने अभी बताया बलकुआ वेराइटी, तो एक्चुअल बाम्बू के अंदर में दो टाइप की वेराइटी रहती है, एक होलो और एक पोल। होल का मतलब रहता है जो बीच में से जो है वो एयर होल रहेंगे, खोखला रहेगा, और दूसरा आएगा ठोस, जैसे बलकुआ है वो ठोस वेराइटी में आता है, और तीसरी एक वेराइटी आती है जिसमें होल और ठोस ये दोनों का मिश्रण रहता है। तो जैसे ये वेराइटी हम बलकुआ की बात करें तो वो वेराइटी भी है ठोस वाली, ये पॉलीमार्फा वेराइटी है वो भी है ठोस वाली, अंदर से पल्पिंग पूरा भरा हुआ रहता है। न्यूटन करके वेराइटी है वो भी पल्पिंग के साथ पूरा भरा हुआ रहता है। उसके बाद आती है उससे एक स्टेप पीछे में मानवेल करके वेराइटी, डेंड्रोकेलिमस टेक्टस उसको कहते हैं, वो भी वेराइटी ऐसी है जिसके अंदर में पल्प भरा हुआ रहता है। सभी वेराइटीज की एज अलग अलग है कि वो कितना टाइम चलेगा, और सभी का हाइट और थिकनेस वो अलग अलग रहता है। टुल्डा करके वेराइटी तीसरी ऐसी है जो वेराइटी में होल पोल दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, मतलब ठोस भी रहेगा और पोल भी रहेगा। नीचे से अगर हम 50-55 फुट की हाइट की बात करें तो 50-55 फीट के अंदर में पहली 8 गांठ, जैसे ये एक से एक इसको गांठ कहते हैं, तो नोट से नोट जो है वो पहले 8 नोट तक वो रहता है ठोस, और उसके ऊपर का जो है वो रहता है होलो, तो उसमें वो दोनों चीज़ एक साथ में कंबाइन कुदरत ने दी हुई है। उसके सिवा कहीं है जैसे बंसुरी बनती है तो वो पूरी पोलो ही आती है, फिर आसाम के अंदर में जंगल में जो ठंडी वाली एरिया है वहाँ पर डीएस पर करके है, जाइजेंटीएस करके है, जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं ढोल नगारा वगैरह जो बनता है बड़े साइज़ के अंदर में वो होता है, वो सारे पोल वाले रहते हैं, वो बीच में से पोल के हिसाब से रहते हैं। तो वैसी कई वेराइटी है, लेकिन अपने क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो उसमें 4 से 5 वेराइटी ऐसी है जो यहाँ पर इजी गोइंग हो सकती है। बाकी की ऑर्नामेंटली प्लांट भी हमारे पास है, गोल्डन बाम्बू है, वल्गरियस है, ग्रीन वल्गरियस है, येलो वल्गरियस है, उस टाइप के अलग अलग वो भी अवेलेबल में है, लेकिन उसकी स्पेशल हम फार्मिंग नहीं कर सकते। वो फार्मिंग के बाद में एक साथ आपने समझ लीजिए 10 एकड़ में लगाया तो 10 एकड़ की अवेलेबिलिटी नहीं है कि लोग ले जाएंगे, ये कॉमर्शियलाइजेशन में नहीं आता। ये सारी वेराइटीज ऐसी है जो कॉमर्शियलाइजेशन में है, और पिछले 2 महीने के अंदर में हम लोगों ने यहाँ से जो आसपास के एरिया का नोटिफिकेशन किया उसमें हमें ये समझ में आया कि ज़्यादातर टुल्डा वेराइटी जो है वो सब ने अप्रोच की हमसे। कारण भी एक ही था कि टुल्डा वेराइटी जो है वो इजी गोइंग यहाँ पर जा सकती है। जामनगर के अंदर में एक सीएनजी यूनिट है, सुरेंद्रनगर के अंदर में एक सीएनजी यूनिट है, जो अभी एग्री वेस्ट से और टॉयलेट वेस्ट से अपना गैस बना रहे हैं। अगर उसको ही ये एग्रीकल्चर वेस्ट बाम्बू के हिसाब से दिया जाए तो उनके लिए भी इजी है और अपना भी मटेरियल इजी अवेलेबल जा सके। सिमिलरली यहाँ पर पार्टिकल बोर्ड की मोरबी के अंदर में 12 से 13 फैक्ट्री है, अभी तो कार्बन से एक्टिव कार्बन बनाने वाली भी फैक्ट्री यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। अगरबत्ती की फैक्ट्री जो है वो उपलेटा और धोराजी के बीच में अवेलेबल है। उपलेटा एक ही सिटी के अंदर में से वाइट कोल बन रहा है, उसकी 10 से 12 फैक्ट्री है। वाइट कोल बोले तो गट्ठा, पैलेट भी बनता है और उसका एग्री वेस्ट में से जो है वो 2 mm, 3 mm, 5 mm छोटे छोटे साइज़ के पैलेट्स बनते हैं। खासतौर पे 8 mm का पैलेट जो है वो अभी होटल वगैरह में यूज़ होना चालू हुआ है, जो स्टोव वगैरह किचन का रहता है 24 आवर्स जो चलता है उसके फ्यूल के लिए, और
और जो 25 mm का पेलेट्स रहता है वो पेलेट्स यूज में आ रहा है NTPC में। ऑल ओवर इंडिया के अंदर में जितने भी NTPC के थर्मल पावर स्टेशन है उसके अंदर में यूज में आता है। तो बेसिकली देखा जाए तो बाम्बू लगने के बाद काटने का जो समस्या है वो लोगों के लिए किस तरीके से हम मैनेज करके 4 साल में आगे ले जाए और उसको हार्वेस्ट करके किस तरीके से हम अपने खेत से ट्रक के अंदर में रख सकें, उसके लिए खास तौर पे वैरायटी कौन सी चूज करें वो देखना वो बहुत ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर के हिसाब से उसके बेचने वाली जो समस्या है वो गुजरात के लिए नहीं है। गुजरात के अंदर में यहाँ पर इजी अवेलेबल फैक्ट्रीज वगैरह है तो हम कहीं पर भी कितना भी चाहे लगाए कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाला नहीं है। बाकी तो आपको पता ही है इसके अंदर में वन बाई वन जो है वो सूट निकलते हैं, वन बाई वन वो थिकनेस बढ़ती है, हाइट बढ़ती है। और आज हमने इंडस्ट्री के लिए स्पेशल और गार्डनिंग के लिए ये 6 फीट 7 फीट का जो पौधा है इस टाइप का भी पौधा जो है वो बनाना चालू कर दिया है कि जिनको भी गार्डनिंग करना है तो वो ये नहीं चाहे कि छोटा पौधा ले जाए और 1 साल के बाद मेरा बड़ा हो, वो सीधा के सीधा बड़ा पौधा ले जाए और वहाँ पर वो लगा सके। अलग अलग वेराइटीज है, जैसे ये है, ये टुलडा वेराइटी है, ये अपना पॉलीमर्फ वेराइटी है। इसका एज क्या रहेगा? ये हमने नर्सरी के अंदर में इसको बेसिकली छोटे साइज के अंदर में तैयार किया हुआ था और उसमें से हमने उसको रिट्रांसफर किया बड़ी बैग के अंदर में। तो छोटी बैग से बड़ी बैग में ट्रांसफर करने के सिर्फ 4 महीने के बाद में ये इसका थिकनेस जो है उसका ये चेंज हुआ है। टोटल ये 18 से 24 महीने के बीच की एज का है। हम 18 महीने की एज का जो होता है पौधा वो ये 7 से 7.5 फीट की हाइट का कम्प्लीट मेच्योरिटी के हिसाब से हो जाता है। जो 2 से 2.5 फीट की ये हाइट है इसका जो पौधा है ये 12 महीने से 14 महीने के बीच की एज का कंप्लीट हो जाता है। तो उसे नीचे गठन बन गई, गठन बन गई है। गठन एक्चुअल में छोटा गठन सब में रहेगा, फिर धीरे धीरे वही गठन जो है वो बड़ा होता जाएगा और जैसे जैसे वो मेच्योर होता जाएगा वैसे गठन का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। बेसिकली यहाँ टुलडा को इसलिए लोगों ने प्रेफरेंस दिया क्योंकि वो मल्टीपर्पज है। कई लोग ऐसे हैं जिसको कुछ एग्रीकल्चर के सिवा करना ही नहीं है, उसको सिर्फ इतना पता है कि मैं लगाऊं उसके बाद काटूं और मेरा कोई ले जाए, तो जो वन टाइम में पोल के हिसाब से ले जाना है तो उसमें सीधा टुलडा जाएगा क्योंकि उसके अंदर में साइड ब्रांचेस कम से कम आते हैं तो हार्वेस्टिंग का कॉस्ट भी कम और हार्वेस्टिंग अगर हम लोकल लेबर से भी करवाए तो वो इजिली वो लोकल लेबर से भी उसका हार्वेस्टिंग हो सकता है। बाकी की वेराइटीज भी बढ़िया ही है लेकिन उसके अंदर में साइड ब्रांचेस वो थोड़ा ज्यादा होता है तो पोल कट करने के बाद में उसका साइड ब्रांचेस का भी जो है वो कटिंग आवश्यक रहता है और उसके अंदर में थोड़ा खर्चा बढ़ता है। तो यहाँ से अगर पौधे हम लोग लेके जाएंगे तो उसका एज 1 साल वाला, यहाँ पर एक पौधा रहता है जो छोटी एज का है 1 से 1.5 फीट की हाइट का। तो वो पौधा हम जब भी किसी को देते हैं तब वो 1.5 फीट की हाइट का कंप्लीट करके देते हैं और उनको समझाते हैं कि ये 1.5 फीट की हाइट का है क्योंकि ये 9 से 12 महीने की मेच्योरिटी पीरियड का है। वही पौधा अगर हम रखें या आप अपने खेत में ले जाओ फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि हमारे पास में 6x4 की पॉलीथिन में रहेगा तो वो कुछ भी न्यूट्रिशन डाले चाहे जीवामृत डाले अमृत जल डाले वो उसको मिट्टी खुराक जो है उतना ही दे पाएगी। यही पौधा अगर आपने सीधा अपनी जमीन के अंदर में डाल दिया तो रूट को बढ़ने के लिए वहाँ पे स्पेस मिल जाता है। तो आपके वहाँ वही पौधा 4 महीने आगे जाएगा तो वो 2.5 से 3.5 फीट की हाइट ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। वही चीज हमें 6 महीना लगता है वो 2.5 से 3.5 फीट की हाइट को पकड़ाने के लिए। तो छोटे पौधे का रेट जो है हम कम रखते हैं। फार्मर को अगर 25 एकड़ लगाना है, 30 एकड़ लगाना है या 50 एकड़ लगाना है तो वहाँ क्वांटिटी संख्या जो है वो बढ़ जाती है उसकी पौधों की, तो उनके लिए तब 10 रुपये भी मायने रखते हैं। और किसी को 5 एकड़ लगाना है या 7 एकड़ लगाना है तो फिर वो देखता है कि मैं 6 महीना लेट नहीं करूँ, मैं बड़ा वाला पौधा लगाऊँ, चाहे वो 10 रुपये का ही एज डिफरेंस के अंदर में हम प्राइस बढ़ाते हैं लेकिन वो प्राइस के अंदर में उनको वो मटेरियल मिल जाए जो उनको फटाफट से आगे थिकनेस जो है वो दे पाए। आपका 6 महीना पहले नहीं आएगा, आप चाहे छोटा पौधा ले जाओ चाहे मीडियम पौधा ले जाओ लेकिन छोटे पौधे के अंदर में जो स्टंप रहेगी वो पतली रहेगी और वही पौधा नर्सरी में 6 महीने मेच्योर हुआ है और एक्स्ट्रा जो 12 से लेकर 18 महीने के बीच का पौधा रहेगा तो उसमें स्टंप की थिकनेस बढ़ जाएगी। तो अब नेक्स्ट जो सूट निकलेगा वो बड़ा वाला आएगा तो वो जब भी आप यहाँ से पौधा ले जाओगे उसके नए सूट निकलने के बाद 36 महीना लगता है उसका मेच्योरिटी पीरियड को, वो मेच्योरिटी के लिए उसको 36 महीना देना ही
पड़ेगा। अब यहाँ से पौधा आप ले गए 2.5-3 फीट का, तो पहले जितना भी स्टंप निकलेगा वो एक साल के अंदर में 10 से 12 फीट की हाइट कवर करेगा। तो पहले साल जो आपका ये 12 फीट की हाइट कवर की, उसकी थिकनेस जो है ये या तो इससे बड़ा ये थिकनेस रहेगा, तो ये ना तो आप इसको कहीं पेके के रूप में यूज कर सकते हो। तो पहला 12 महीना वो बेसिकली नया पोल जो निकलेगा उसका मेच्योरिटी के लिए हमने पौधे को तैयार किया। ये पौधा अपने को आगे नेक्स्ट कुछ काम आने वाला नहीं है, कटिंग करके हम इसको सेल में यूज नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा। तो पहले 12 महीने जब तक ये आएगा तब तक हम इसको यूज में नहीं ले सकते। अब इसके बाद एक साल के बाद जो नया सूट निकलेगा और वो जो थिकनेस देगा वो एक्चुअल हम जो है यूज में ले पाएंगे। तो एक साल ये और 36 महीने जो नया सूट निकलेगा उसकी मेच्योरिटी के, टोटल 48 मंथ के बाद में आप जब पहला हार्वेस्टिंग करते हो तब आपको वो पतला वाला लेकिन सेलेबल हो सके वैसा मेच्योरिटी वाला आपने को मिलेगा। और उसके बाद दूसरा हार्वेस्टिंग, तीसरा हार्वेस्टिंग जब आप पहुंचोगे तब आपको वो थिकनेस वाला भी मिलेगा और कमर्शियली आप उसका सेल आउट कर सकते हो वैसा मिलेगा। तो पहले हम चुनाव करते हैं बेसिकली उस ढंग का कि जो आ सके एग्रीकल्चर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, और कोई भी नॉर्मल जिसको बायो वेस्ट के हिसाब से यूज़ करना है कट करके वो सारा यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली टुल्डा ज़्यादा सेल हो रहा है। हाँ, अभी 70% से ज़्यादा टुल्डा हुआ है। ना देखा तो अंधेरा में तो